नमो नारायण दोस्तों, आज मैं अधिक मास कृष्ण पक्ष की पद्मिनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। उसका विधान और कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे अर्जनार्दन, अब आप कृपा कर अधिक मास अर्थात मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्यफल है और क्या विधान है? भगवान कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्म नाम की पूजा होती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए, पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठ शौचादि से निवृत्त हो दातुन करे और कम से कम 12 कुल लेकर मुंह को शुद्ध करे। किसी नदी कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय मृतिका तिल कुश और आंवला के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेपन करें और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करें, हे मृतिके, भगवान ने 12 रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करो। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। और हे शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करें। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करें और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करें। संध्या वंदनादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। धान्य के ऊपर कांसे का, तांबा का अथवा स्वर्ण का या मिट्टी का घट स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रखकर उसे सुगंधित द्रव्यों और वस्त्र द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। पुष्प गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावे और भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करे। उस दिन किसी पति अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श ना करे, मिथ्या भाषण एवं देवगुरु की निंदा ना करे। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्ति हो तो जल पान या फलहार का अवलंब लेना चाहिए। रात के प्रत्येक प्रहर में भगवान कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में नारियल का फल, दूसरे प्रहर में बेल फल, तीसरे प्रहर में सोना फल और चौथे प्रहर में पूगी फल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमानुसार अग्निशोष्टम, वाजपेयी, अश्वमेध और राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी पर उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का फल पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण कर सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करा भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उनको दान करे। हे राजन, पद्मिनी एकादशी विधि का विधान तो मैं समुचित सुना चुका हूँ। अब इसी विषय की एक आख्याकिया जिसको महर्षि पुलस्त्य ने नारद से कहा था और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और पुलस्त्य ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि त्रिलोक के विजयी रावण को कीर्ति वीर्य ने किस प्रकार बंदी कर लिया था। नारद जी के वचन सुनकर पुलस्त्य ने कहा, हे नारद, अब तुम कीर्ति वीर्य की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। त्रेता युग में कृत वीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ करता था। यद्यपि उसके महल में 101 एक सुंदरी एक सौरानिया थी, तथापि पुत्र किसी को ना थी। उस राजा ने महर्षियों के उपदेशानुसार अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला।
तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्यभार मंत्री के मध्य दे तपस्या करने को चल दिया। समाचार सुन उसकी एक रानी जिसका नाम प्रमदा था अपना वेश तपस्वी का बना राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने हजार वर्षों तक पर्यंत तपस्या की मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को बहुत दुख हुआ। एक दिन वह अनसुईया के आश्रम में जब उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृतांत कर सुनाया, हे देवी मुझे कोई ऐसा तदवीर बताइए कि जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानियां सुन अनसुईया ने कहा, तुम अधिक मास जो 32 महीने के बाद आता है और उनमें दो एकादशियां होती है पद्मिनी और परमा, ये दोनों ही एकादशियां अतुल है अक्षय फल को देने वाली अस्तु, तुम इन दोनों ही एकादशी का व्रत कर भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी देवी अनसुईया को व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समाप्त होने की होते ही भगवान कमलनाभ प्रकट हुए और रानी से कहा, वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत किया और हाथ जोड़कर अनेकानेक स्तुतियों के पश्चात कहा, देवी आप यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन सुन भगवान ने राजा से कहा, हे राजन तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी एकादशी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन किया, अस्तु मैं प्रसन्न हूँ, कहता हूँ कि तेरी जो इच्छा हो वह वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, प्रभु यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सिवा और किसी के हाथ से न मरने वाला हो। राजा के ऐसे वचन सुन भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ ले अपने राजधानी में आए। यथा समय पद्मिनी के गर्भ में से कार्तिवीर्य का जन्म हुआ। उसने जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था, यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त्य ने नारद से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है, पद्मिनी एकादशी का प्रभाव महान है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञानुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं को सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ेंगे एवं सुनेंगे उनका कल्याण होगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही तीनों लोग बोलो हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, नमो नारायण, हर हर महादेव, जय विष्णु महाराज की जय। विष्णु तो मैंने आपको ये कथा के बारे में सुनाई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो नमो नारायण का आप लोग पद्मा एकादशी करें तो नमो नारायण दिन भर पूरा दिन बोलते रहें, हर हर महादेव बोले, नमो नारायण बोले।